नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल फी मिरर, हर पल आपके साथ। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का सपना संजोए राष्ट्रीय सामाजिक संस्था नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया का बुधवार को आसनसोल स्थित पड़ोदिगारी में जीरा कार्यालय का उद्घाटन संस्था के चेयरमैन राजेश शुक्ल के द्वारा किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारी सचिव मनीष कुमार शरण, राष्ट्रीय कानूनी सचिव सीताराम विश्वकर्मा, बिहार प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर राय इत्यादि समेत काफी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष राजाशीष मित्रा, रविंद्र पांडे, मुरारी मोहन चक्रवर्ती, इंद्रजीत इंद्रनील चटराज, बाबन बावरी, दिलीप बनवाल, अमित बावरी, संजीत बावरी, संदीप रजक, गणेश साव, सुदीप्त शाह, संजीव शर्मा का अहम योगदान रहा। कार्यक्रम के तहत सैकड़ों जरूरतमंदों के में संस्था द्वारा नए वस्त्र वितरण किए गए। इस दौरान संस्था से जुड़े नए सदस्यों को परिचय पत्र भी दिया गया एवं कई गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। वेलकम इन आवर चैनल। ये नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया, ये है क्या चीज? नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया इज मोटिव करप्शन फॉर इंडिया। ये करप्शन और टॉर्चर के अगेंस्ट ये कमेटी फाइट करती है। कहीं भी किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार अत्याचार होता है तो हमारे पदाधिकारी फाइट करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग लड़ते हो? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। हिंदुस्तान में अब तक कितने यूनिट हैं, कितने ब्रांचेस हैं? ये 25 प्रदेशों में हमारी संस्था काम कर रही है। अच्छा। और इस समय स्टेट प्रेसिडेंट बिहार मौजूद हैं, सिकंदर राय जी। वो तो सब ठीक है। वो जी बंगाल में आपकी पहली ब्रांचेज है? यस यस, पहली ब्रांच। अच्छा, ये इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 2 ईयर्स पहले। बेसिकली आप करप्शन इशू पे आप काम कर रहे हो? यस। कितने साल से काम कर रहे हो? ये नवंबर 2012 को हमारी कमेटी रजिस्टर्ड हुई। नवा स्थापना दिवस सूरत गुजरात में डेट फिक्स हो चुकी है। ये 8 साल हमने काम किया अपने काम किया और 9वें साल में संस्था चल रही है। ऐसी बहुत सारी कुछ मिसालें होंगे जो हम लोग करप्शन का बात कर रहे हैं वहाँ कुछ अपने अच्छा ही कुछ काम किए होंगे, ऐसा कुछ आपके एक्टिविटीज कुछ याद है जो करप्शन के हवाले से अपने को प्रॉब्लम सॉल्व किया? नहीं, बिल्कुल हवाल है। अपने मैंने ऑडियंस को एक ये उत्तर प्रदेश में थाना अध्यक्ष हदगवा SI थे, रिश्वत लेते हुए हमारी कमेटी ने ब्यूरो के साथ मिलकर ऑपरेट किया और इस समय उत्तर प्रदेश गोरख जेल में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है और हमारे CM का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर वो काफ़ी दिन तक बंद रहे। बेसिकली हम लोग देख रहे हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया में काम करें। कितने yes. लोग जुड़े हैं इस समय? ये समझिए आपकी लगभग 7,500 के एबव चल रहे हैं। आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आप क्या करते हो? मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। अच्छा सर। और तो आपको कब लगा कि एंटी करप्शन में आना चाहिए, कैसा संस्था करना चाहिए? अन्ना हजारे के मिशन के बाद हमने इस संस्था को एडिट किया। उस समय पूरे देश में भ्रष्टाचार अत्याचार के खिलाफ लोगों ने अन्ना जी के मिशन को देख के मुझे ये लगा कि निश्चित रूप से आज अन्ना जी मीडिया और सोशल मीडिया तक ही सीमित रहे। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ भ्रष्टाचार अत्याचार होता है तो वो कहाँ जाएं, और वही चीज़ें हमने थिंक किया। उसी के बाद हमने नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया हमने एडिट किया। सर, ये भ्रष्टाचार से क्या तात्पर्य है और इसे समाप्त कैसे किया जा सकता है? करप्शन इज वायरस, करप्शन एक कैंसर है, आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें यह डसता रहेगा और इस कैंसर को एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया ये एंटीबायोटिक है
इस मेडिसिन के माध्यम से जो हमारी कमेटी है, हम करप्शन के अगेंस्ट जो फाइट कर रहे हैं, पूरा हमारा प्रयास चल रहा है कि हम निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप लड़ो, हम लोग भी आपके साथ हैं। कि हम लोग देखते हैं किस तरह जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बहुत सारे, ये खुलते हैं फिर कुछ दिनों बाद बंद हो जाते हैं। नहीं, नहीं, ठीक है। इस माध्यम में हम आपका एश्योरेंस चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए, क्या आप एश्योरेंस देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी ये लड़ाई हमारे बाद भी करप्शन के अगेंस्ट में होती रहेगी, और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा संगठन अन्ना हजारे जी के बाद हिंदुस्तान में कोई वर्कशिप डेवलप कर रहा होगा, क्योंकि आज प्रदेश 25 प्रदेशों में संगठन काम कर रहा है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लास्ट में सर, जो लोग आज जिनको आपने मेंबरशिप दे रहे हैं, जिनको आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, उसके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए करप्शन के अगेंस्ट फाइट करें, और उनके लिए सेंट्रल कमेटी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद। आज के जो प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इनमें जो लोगों ने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, उनका दो चार लोगों का नाम बोल दें या उनका विश कर दें। इसके लिए रविंद्रनाथ मंडल जो कि महासचिव हैं एवं जिलाध्यक्ष राजाशीष मित्रा जी हैं, बबन जी हैं, और भी मुरारी मोहन जी हैं, रविंद्रनाथ मंडल जी हैं, इंद्रा नील जी हैं, एवं अमित बौरी जी हैं, संजीव शर्मा जी हैं, दिलीप कुमार बरनवाल जी हैं, कमल किशोर शर्मा जी हैं, संजीत बौरी जी हैं, संदीप कुमार जी हैं, गणेश सा हैं, और अभिजीत कुमार जी हैं। ये हमारे अभी तक इस आसनसोल डिस्ट्रिक्ट की, ये हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट स्तर के पदाधिकारी हैं, और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जो बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को सफल करने में योगदान रहा है, या जिन्होंने इस संगठन के लिए प्रयास तो सारे पदाधिकारियों ने किया है, लेकिन रविंद्र मंडल, बबन जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इनका विशेष रूप से सहयोग रहा है, और साथ में हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव जी हैं मनीष शरण जी हैं, इनके द्वारा प्रोत्साहन भी समय समय पे आप सब लोगों को मिलता रहा है, और मैं इनको सतत बार बधाई, साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ।